नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की। यह वीडियो आपको यूरोप की भौगोलिक अवस्थिति, नदियां, पर्वत, जलवायु और अर्थव्यवस्था के बारे में एक विस्तार पूर्वक जानकारी देगा। डीपली जानने से पहले हमें इसके लोकेशन को समझना जरूरी है। यह है भारत। अब हमें इसके उत्तर पश्चिम की तरफ चलना पड़ेगा। अब ये जो एरिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे यूरोप महाद्वीप कहते हैं। अगर महाद्वीप की बात करें तो एक ऐसा भूभाग जो लगभग पूरी तरह से बाकी के क्षेत्र से अलग हो, जैसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप एटसेट्रा, उसे महाद्वीप कहते हैं। लेकिन यूरोप ऐसा महाद्वीप नहीं है, यह पूर्व की तरफ एशिया से जुड़ा है। इसलिए कई बार यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप और एशिया के बीच लगभग 8500 किलोमीटर की लंबी महाद्वीपीय सीमा एग्जिस्ट करती है। यूरोप के उत्तर में बैरन सागर, इसे आर्कटिक सागर या कई बार नॉर्थन सागर भी कहते हैं। दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर हैं। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर स्थित हैं। अब हम बात करेंगे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की। यूरोप का क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। यह विश्व का सेकेंड स्मॉलेस्ट महाद्वीप है। यह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 7% भाग कवर करता है। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से समुद्र से घिरा है और यहाँ अनेक प्रायद्वीप हैं। इसलिए इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में 50 सॉवरन कंट्रीज हैं। इसके अलावा मेनलैंड से हटकर भी कुछ द्वीप स्थित हैं, जैसे आइसलैंड, आयरलैंड, ब्रिटिश आइलैंड्स एंड माल्टा एटसेट्रा। यूरोप का 2/3 हिस्सा कोस्टल है और इसका कोई भी भूभाग समुद्र से 1500 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। भौगोलिक विशेषताओं के कारण कई देशों को कुछ स्पेशल ग्रुप्स में बांटकर देखा जाता है, जैसे स्कैंडिनेवियाई देश। इसमें आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड आइसलैंड। अगले ग्रुप की बात करें तो निम्न भूमि देश यानी बेनेलक्स भी कहते हैं। बेनेलक्स में BE है बेल्जियम के लिए, NE है नीदरलैंड के लिए और LUX है लग्जमबर्ग के लिए। पास्ट में इनके पास खेती योग्य जमीन की कमी थी, इसलिए इन तीन देशों ने मिलकर समुद्र में एक दीवार का निर्माण किया और जमीन की तरफ के पानी को समुद्र में वापस दीवार के उस पार धकेल दिया और इससे इन्हें खेती करने योग्य जमीन प्राप्त हो गई। तभी से इन निम्न भूमि देश के नाम से जाना जाता है। अगले ग्रुप की बात करें तो बाल्टिक कंट्रीज हैं। इसमें आते हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। उसके बाद हम बात करेंगे आइबेरिया ग्रुप की। इसमें आते हैं स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और भूमध्य सागर के तटवर्ती देश। उसके बाद हम बात करेंगे बाल्कन कंट्रीज की। इसमें हैं स्लोवानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस यानी यूनान एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे इसके भौतिक लक्षणों की। इसका उत्तरी भाग मैदानी है और दक्षिण पश्चिमी भाग पर्वतीय है। इनमें बर्फ से ढकी चोटियां और गोर्ज और पठार आदि भी मौजूद हैं। यूरोप के पर्वत, यूराल पर्वत, ये रशिया में पाया जाता है, यहाँ से यूराल नदी का उद्गम होता है। बर्खोयांस्क पर्वत, ये भी रशिया में पाया जाता है, इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं, बल्कि धरती पर मौजूद सबसे ठंडे प्रदेश भी यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में स्थित है। हॉर्ज पर्वत जर्मनी, वाजेस पर्वत यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। नेक्स्ट पर्वत है जूरा पर्वत, यह फ्रांस में स्थित है। राइन और डेन्यूब जैसी यूरोप की इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ से निकलती हैं तथा यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा भी बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पेनाइन पर्वत की, यह इंग्लैंड में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है। पिरेनीज पर्वत, यह फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है और यह प्राचीन वलित पर्वत है। अब हम बात करेंगे फाइनली आल्प्स पर्वतमाला की। यह यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है। यह एक नवीन पर्वतमाला है। इसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में कैस्पियन सागर तक है। इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एपिनाइन, कार्पेथियन और काकेशस इस महाद्वीप की अन्य पर्वत श्रेणियां हैं और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी काकेशस पर स्थित माउंट एल्ब्रुस है। अब हम बात करेंगे यूरोप की नदियों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेन्यूब की।
यह जर्मनी से निकलकर 10 यूरोपीय देशों से बहते हुए ब्लैक सी में गिरती है। यह चार देशों की राजधानियों से गुजरती है। वे चार राजधानियां हैं वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की कैपिटल, बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल, बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल। नेक्स्ट रिवर है वोल्गा नदी। यह रूस में बहने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह वाल्डाई हिल से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है राइन नदी। यह स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ की तरफ बहते हुए जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर यानी नॉर्दर्न सी में गिर जाती है। अंत में हम बात करेंगे इकोनॉमी की। यूरोप विश्व का सबसे अमीर महाद्वीप है। इसकी जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग 37 ट्रिलियन US डॉलर है। एक कंपैरिजन के लिए अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग 27 ट्रिलियन US डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा है। यह विश्व की टोटल वेल्थ का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। यूरोप के ज्यादातर अमीर देश पश्चिम की ओर स्थित हैं और बहुत से पूर्वी और मध्य यूरोप के देश तो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में ही हैं। रिचेस्ट कंट्री नॉमिनल पर कैपिटा की बात करें तो वो है लग्जमबर्ग, और यूरोप की सबसे पुअरेस्ट कंट्री नॉमिनल पर कैपिटा की बात करें तो वो है मालदोवा। ओवरऑल में ज्यादातर देश जो यूरोप में स्थित हैं दे आर वेरी हाई इन SDI इंडेक्स एंड अदर ऑल इंडेक्सेस। यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विश्व में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। थैंक यू।